और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग अपना मोटो है नो टू ड्रग यस टू स्पोर्ट। और नो टू ड्रग है कि यूथ लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, और उसी चीज़ को लेते हुए हम लोग ये अपना मोटो रखा है। इसलिए हम लोग जितना ताइक्वांडो ये डिस्ट्रिक्ट में खेलने वाला है सभी को हम लोग वही रिक्वेस्ट करता है कि और अवेयरनेस देता है कि ड्रग लेना नहीं और अल्कोहल लेना नहीं और अपना समय को बिगाड़ना नहीं। जो हम लोग स्कूल में जाने के बाद जो शाम में जो समय होता है 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में बहुत सारा यूथ लोग बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम ये कोशिश करता है कि ताइक्वांडो वाला को उसी में मतलब अपना समय को गुजारने देने के लिए, क्योंकि जो बिगड़ने का समय है उसमें हम लोग स्पोर्ट्स में बिजी रख देते हैं और बाकी समय है पढ़ाई लिखाई का है। और दूसरा हम लोग का टोटल पार्टिसिपेंट आया 232 और हम लोग का टोटल 8 क्लब है, 8 क्लब जैसे कि साई साख सेंटर से आया और संगेलादिन स्पोर्ट्स क्लब से आया, संगेलादिन स्पोर्ट्स स्कूल एकेडमी से आया, उसके बाद ये निरजुली दिक्रोंग ताइक्वांडो एकेडमी से आया, उसके बाद बंडरदेवा ताइक्वांडो एकेडमी से आया, दोमुख ताइक्वांडो क्लब से आया, उसके बाद ये अनेच एकेडमी से आया, उसके बाद LPS और दूसरा बनीस स्कूल जो कि ईटानगर में है वो भी नया अपना स्कूल में ये ताइक्वांडो को एडॉप्ट किया है, तो वो सबसे पार्टिसिपेंट आया। टोटल हम लोग का लड़की आया 121, उसके बाद लड़का आया 111, टोटल मिला के 232 स्टूडेंट आया है, पार्टिसिपेंट आया है। कितना गेम्स होगा टोटल आपका यहाँ में जो आज और कल का टूर्नामेंट? बाउट आज स्टार्ट हो गया, टोटल 156 बाउट है, तो डिफरेंट कैटेगरी में है, उसका कैडेट है, उसके बाद जूनियर है, सब जूनियर है, उसके बाद सीनियर है। एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चों लोग का, एंथुसियाज्म किस टाइप से आप देखते हैं? हम लोग वही डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसलिए कराता है कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट में जो बडिंग प्लेयर है, जो उभरता हुआ प्लेयर है, जो इंटरेस्टेड वाला लोग, उसको हम लोग निकल के आते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर हम लोग गेम हेल्प नहीं कराने से हम उसका टैलेंट को मालूम नहीं होता। इसलिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो अपना टैलेंट हिडन टैलेंट को दिखाने के लिए, जो कि हम लोग का हमेशा टारगेट रहता है कि ये ओलंपिक में टारगेट रहता है, नेशनल लेवल में टारगेट रहते हैं, और हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट से हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बाद उसके बाद हम लोग मौका मिलने से हम लोग नेशनल और ओलंपिक में कोशिश करते हैं। अभी अरुणाचल में 3 स्पोर्ट्स अकादमी सरकार ने खोलने जा रहा है, और इट्स ऑलरेडी ओपन, द कंस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस। दिस इज नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी, और नेशनल स्पोर्ट अकादमी है उसमें कराटे का, वुशु का, ताइक्वांडो का, जूडो का एक अकादमी होगा, वेट लिफ्टिंग का एक अकादमी होगा और बॉक्सिंग का एक अकादमी होगा। हमारे यहाँ पे 3 नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी होगा, ये बहुत बड़ा बिग न्यूज है हम लोग के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन लाइक यू ऑल। कल आप लोग का एम होना है, आप लोग का एम होना है मैं और स्पोर्ट्स अकादमी में मैं पढ़ने मिलना है, मैं उसमें खेलने मिलना है, ये आप सेंटर फॉर एक्सलेंस बोलते हैं उसको, आपको इमीडिएटली आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, उसमें घुसने के लिए आपको मेडल मिलना पड़ेगा। अब जब मेडल मिलेगा, अरुणाचल के लिए मेडल मिलेगा, तब आपको उधर में एडमिशन मिलेगा। अभी जो आपको संजय लादिंग में असाई में 200 रुपया का आपको 250 का आपको खाना पीना मिल रहा है, वो स्पोर्ट्स अकादमी में आपको 450 का देगा, आपको किट्स देगा, आपको जूता देगा, आपको ये ड्रेस देगा, उसी में वो करने के लिए आप अभी से आप लोग तैयार करना है, जो प्राइवेट स्कूल में हो या जो अभी ये संजय लादिंग में हो, या वो नहीं है कि संजय लादिंग में मेरा लाइफ उसमें ख़त्म होना है।